एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में आपको मार्केट सेशन के बारे में बताया जाएगा हमारे पास कौन कौन से सेशन होते हैं और उन सेशन के ऊपर आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये एक बड़ी ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं हमारे पास तीन सेशंस uh, होते हैं टोक्यो सेशंस लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन तो इन तीनों सेशंस को अलाइन किस तरह किया जाता है इसके ऊपर ट्रेड किस तरीके से की जाती है लिक्विडिटी एरियाज़ क्या होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और लेट्स uh, सी अभी चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पे आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मेरे पास एक बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है ठीक है अब इस स्ट्रेटजी को आप लोगों ने किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके लिए कौन से इंडिकेटर है आ, सर्च करने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों ने इंडिकेटर्स पर जाना है इंडिकेटर्स पर जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपने यहाँ पे सर्च करना है मार्किट सेशंस मार्केट uh, सेशंस आपने लिखना है तो ये स्टार्स हुए विद दो मेरे पास इंडिकेटर्स हैं तो मार्केट सेशन बाय लिवाइथन 5193 आपने इसको सर्च कर लेना है और इसको सर्च करने के बाद आपके पास ये लेफ्ट साइड पे जहां पे इंडिकेटर्स होते हैं वो आ रहा होगा नजर आ रहा होगा आप लोग इसको यहां पे देख सकते हैं आपने इसकी सेटिंग्स पर जाना है सेटिंग्स पर जाने के बाद इनपुट्स पर आपने चला जाना है ठीक है अब सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा होता है कि टाइम जोन आपको कौन सा सिलेक्ट किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देखें कि टाइम जोन जो है मैंने जी एम टी प्लस एट किया हुआ है आप लोगों ने सिंपली जाना है डब्ल्यू 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 डॉट बेबी पिप्स डॉट कॉम आपने बेबी पिप्स पर जाना है नंबर वन पे आपको ये सारी चीजें डिटेल्ड आ रही होंगी फॉरैक्स मार्केट आवर्स आ रहे हैं नीचे लिखा हुआ ठीक है और उसके बाद पोजिशन साइज कैलकुलेटर लर्न फॉर एक्स ट्रेडिंग एट स्कूल लर्न फॉरक्स इकनॉमिकल कैलेंडर एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें तो आपने फॉरेक्स मार्केट ऑवर्स पर जाना है फॉरक्स मार्केट ऑवर्स पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका टाइम जोन नज़र आएगा अब आप लोग जो भी कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से आप लोग जी एम टी यहाँ पर अपना टाइम जोन जो है वो आप लोग बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है आपने यहाँ पे मैं क्योंकि मलेशिया में रहता हूं तो मैंने यहाँ पे सिंगापुर प्लस जीएमटी प्लस एट सेलेक्ट किया है उसके बाद आपने यहां पे जाके देखा कि टोक्यो सेशन आ रहा है यहाँ पे लंदन सेशन आ रहा है और न्यूयॉर्क सेशन तीन सेशन की ये स्ट्रेटजी है अब हम लोग चार्ट पर जाके देखते हैं तो यहाँ पे टोक्यो सेशन आ रहा है अब जो ओपनिंग एंड इसकी जो क्लोजिंग टाइमिंग्स हैं आप लोगों ने वो एंटर कर देनी है आप लोगों को ये किस तरीके से पता चलेगा आप लोग सिंपली यहां पर इसको बैक करें तो यहां पे देखें 8 ए एम पे ओपन हो रही है मार्केट टोक्यो की एंड फाइव पी पे टोक्यो की खत्म हो रही है लंडन सेशन फोर पी पे ओपन होके आपका खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे मार्केट और खत्म हो रही है वन ए एम पे फिर आपका अभी जिस तरह एन वाई सेशन ओपन हुआ हुआ है एट पी एम पे लेके अभी मार्केट जो है वो फोर ए एम तक आपकी ओपन रहेगी तो इस तरीके से आपने तीन सेशन के ऊपर इसको लेकर चलना है सो आपका ये टोक्यो सेशन की आपने डेट आपने टाइमिंग्स यहाँ पे एंटर कर दी हैं लंडन सेशन की आपने टाइमिंग्स एंटर कर दी हैं फाइव से लेकर आपका जो है अभी ट्वेल्व तक है इसको हम लोग बाद में अपडेट कर सकते हैं मैं इसको चेंज कर दूंगा ठीक है उसके बाद एनवाइ सेशन है इसको एट पी एम से लेके आप फाइव पी एम तक इस फाइव ए एम तक आप इसको रख सकते हैं सिट्ली की हमें ज़रूरत नहीं है बाकी आप लोग यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं आप बीजी कलर है ये आप लोग बिल्कुल एज इट इज़ सेटिंग्स को कर सकते हैं जिस तरह मैंने अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट की होती है अप्लाई की होती है ठीक है ये आपकी सेशनस की सारी सेटिंग्स होंगी बाकी स्टाइल है इसकी विजिबिलिटी इन चीज़ों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी चले जी अब चार्ट पर चलते हैं और थर्टी मिनट्स पर जाते हैं जितने छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे उतनी विजिबिलिटी आप वन आवर्स पर भी इसको चेक कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया है ठीक है इंडिकेटर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे आप लोग कितना बैक टेस्ट कर सकते हैं जितना यहाँ से मार्केट आपको बैक साइड पर फिफ्टीन अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड्स आपका अभी है ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर तो फिफ्टीन से लेके ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर तक जितना भी डाटा इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं ठीक है इसको बैक टेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है आप 15 मिनट्स का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाएं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप लोग यहाँ पे देखें कि किस तरीके से मार्केट जो है वो आपकी ब्रेकआउट रीटेस्ट करती है लिक्विडिटी किस तरीके से स्वीप करती है बेसिकली आपका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर भी आपने साथ साथ इसको अलाइन करना है लेट्स से मैं इस पर यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये यह है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ करके ये आपके पास है टोक्यो का लो आ गया राइट right? और उसके बाद हमारे पास जो टोक्यो का हाई था वो हमारे पास ये टोक्यो का हाई बना राइट right? अब टोक्यो के हाई के बाद यहाँ पे आपने टोक्यो का हाई एंड लो लिख दिया है इसको आप लोग सेफ भी कर सकते हैं अब टोक्यो के लो एंड टोक्यो के हाई विच मींस दिस वाज द हाई दैट हैज बीन टेकन आउट और रीटेस्ट करने पे मार्केट ने यहाँ पे आपको बेरिश की कैंडल दी आपने यहाँ पे ट्रेड कर दिया ठीक है सेल की ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर ली अब मार्केट ने क्या किया कि एक लो बनाया प्रीवियस आपका जो रेजिस्टेंस वन रेजिस्टेंस टू इसका ब्रेकआउट किया ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और फिर नीचे सेल साइड पर आई इसका लो ब्रेक नहीं किया इनकेस आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी है तो आप सेशंस की मदद से आप लोग इंट्राडेट बेस्ड के ऊपर अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक है अच्छी खासी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आपने देखा कि मार्केट ने अपने लो का ब्रेक नहीं किया मार्केट ने हायर हाई high बना दिया राइट इसका मतलब यह हुआ कि अगर मार्केट आपका टोकियो का लो ब्रेक नहीं कर रही और हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करके बाय साइड पर जा रही है तो आपका ट्रेंड क्या होगा ऑब्वियसली आपका ट्रेंड जो है वो बुलिस साइड पर जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट आप लोगों ने इसको एंट्री किस तरह करनी है अब जब मार्केट ने आपका लो बनाया था हाई बनाया और मार्केट ने हायर हाई बना दिया राइट right? या इस एरिया के ऊपर आपने सिंपली क्या करना है टोक्यो की लो से लेके और जो इसका हाई बना होगा हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पॉइंट आपका ये है यहां तक आपने फिब लगा ली जो लिक्विडिटी स्वीप की बात की ट्रेड दी तो ऑब्वियसली आपके पास फिफ्टी सिक्स एट के लेवल्स बनते हैं उन लेवल्स को आप लोगों ने एज ए जोन जो आपके जोन होते हैं वो किस तरीके से आप लोग मान करते हैं इस तरीके से आपने जोन मार्क करना है उस जोन के ऊपर एंट्री करनी है और जो इसका रिसेंट हाई होगा वहां तक आपने टीपी बुक कर लेना है क्यों आपने वहां तक टीपी बुक करना है बिकॉज आपका जो ट्रेंड है वो आपका ट्रेंड बुलिस साइड पर है मार्केट हायर साइड बनाती हुई जा रही है ठीक है स्ट्रक्चर का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया लिक्विडिटी स्वीप की है पुल बैक किया और मार्केट यहाँ से बुलिस साइड पर दोबारा से चलेगी फिर नेक्स्ट डे आपने जाके देखा आपने टोक्यो का लो मार्क कर दिया और आपने यहाँ पे जाके टोक्यो का हाई इस तरीके से मार्क कर दिया ठीक है आप आप अच्छी खासी इसमें आपको ट्रेडिंग मिल जाएगी ठीक है ये बड़ी डिटेल्ड में आपको चीजें बता रहा हूं तो बड़ा गौर से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा ठीक है ना और समझने की भी कोशिश करें और इसी तरीके से आप लोगों ने पहले सेटिंग्स करनी है उसके बाद लेवल्स की मार्किंग करनी है अब जैसे मार्केट ने टोक्यो की लिक्विडिटी स्वीप की है सेम लाइक प्रीवियस मार्केट ने यहाँ से आपको रिजेक्शन दी है और रिजेक्शन मार्केट ने आपको कितनी दे दी है ऑलमोस्ट सेवेंटी पिप्स की इसने रिजेक्शन दी है फिर मार्केट ने क्या किया मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है ये इसका इक्वल लोस बना हुआ था ये टोक्यो का हाई था यहाँ पे प्रीवियसली आपने देखा ना ये कैंडल ने हाई बनाया उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप की और फिर मार्केट बेरे साइड पर दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस बनाते हुए पुल बैक इसने किया अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस डे का जो इसने हाई था उसका ब्रेकआउट किया क्या मार्केट ने यहाँ से कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी है नहीं दी इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं आपने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है विच इज योर प्रीवियस डे हाई मार्केट का ये प्रीवियस डे हाई था इसमें आपने यहाँ पे लिख भी दिया अपने रेफरेंस के लिए अब प्राइस नीचे आती है यहाँ पे आपको ब्रेक आउट करने के बाद ब्रेक इन की कैंडल बनाती है इस जोन से नीचे इसने कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की तो आपका यहाँ पे एंट्री जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जैसे ही आपकी बेरिश की बुलिश की बुलिश कैंडल बने इसकी लो के नीचे आपने एसल अपना रख दिया पिप्स का आपका एसल बन गया अब फोर्टी पिप्स के एसल के साथ जो आपका ये हाई होगा न्यूयॉर्क और लंडन सेशन का हाई होगा वो आपका वहां पर टीपी होगा तो ऑब्वियसली मार्केट काफी रेंज भी किया इवेंचुअली मार्केट ने जाके जो है वो वन प्लस पिप्स का जो है वो आपका टीपी उसने हिट कर दिया ठीक है है ये तो बिल्कुल बेसिक्स। अब आती है बात के ऊपर आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं नाउ अगेन आप लोग टोक्यो का हाईस एंड लो मार्क करेंगे तो टोक्यो का जो लो था वो हमारे पास ये इसका टोक्यो का ये लो बन रहा है राइट आपने यहां पे जाने के बाद दोबारा से लिख दिया कि ये मेरे पास टोक्यो का लो बन गया एंड ये आपका टोक्यो का हाई बन गया जो जहां से मार्केट आपकी ओपन होती है टोक्यो हाई अब टोक्यो हाई की लिक्विडिटी स्वीप की अब लो की लिक्विडिटी स्वीप की सेम वही मेथड है जो हमने पिछली बैक टेस्ट पे दो दफा हमने चेक किया तो दो दफा मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट दी राइट right? अब मार्केट ने थर्ड टाइम आपको फिर से रिट्रेसमेंट दे दी और कितने पिप्स की आपको रिट्रेसमेंट यहां पे देखने को मिली है ऑलमोस्ट आपको सेवेंटी तो लास्ट टाइम भी सेवेंटी प्रीवियस डे भी सेवेंटी और आज के दिन भी आपको सेवेंटी पिप्स की रिट्रेसमेंट देखने को मिली ठीक है अब जैसे मार्केट ने टोक्यो की लो की लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे आपको बुलिश का कैंडल बन गया अगर आपको यहाँ पे बड़ा एस मिल रहा हो तो आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम फाइव मिनट टाइम फ्रेम पर बुलिश के कैंडल देख के आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं बट इफ योर रिस्क रिवॉर्ड इज रियली गुड इट्स वर्थ इट टू टेक एंट्री टेक योर बाय एंट्री ऑन द रीटेस्ट ऑफ दिस कैंडल इसकी लो के नीचे आपने एस रख दिया लेट से सिक्सटी पिप्स का एस है और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा वो ट्वेंटी वन पिप्स का आप यहाँ पे टीपी बुक कर सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है मार्केट वहां पे विक लगाती है और विक लगाने के बाद प्राइसेस आपकी बुलेट साइड पर चली जाती हैं ठीक है अब आपने यहां पे एक चीज देखी कि मार्केट प्रीवियस डे उससे नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे बुलेट साइड पर जा रही है और बुलेट साइड पर तब तक रह रही है जब तक वो अपने टोक्यो का जो लो है या प्रीवियस डे का जो लो होता है प्रीवियस डे का लो आपका टोक्यो का भी हो सकता है लंडन का भी हो सकता है एनवाई सेशन का भी आपका लो हो सकता है तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी है कि मार्केट ने प्रीवियस डे लो का जो प्रीवियस डे लो मींस जो प्रीवियस डे पे मार्केट ने एक लो प्राइस बनाई थी उसका उसने ब्रेकआउट नहीं किया ठीक हो गया अब मार्केट ने अगेन अपना ये स्ट्रक्चर लेवल बनाया हुआ था और उसी स्ट्रक्चर लेवल्स के ऊपर टोक्यो का लो उसने ब्रेक किया लंडन का इसने लो ब्रेक किया एनवे सेशन का इसने लो ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या किया बेसिकली हर सेशन का अपना लिक्विडिटी पॉइंट होता है लेट से ये आपका टोक्यो का लो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट बुलिश जाती है लंडन का लो है इसकी लिक्विडिटी नेक्स्ट सेशन में स्वीप हो तो उसका ज्यादा इफेक्टिव रहती है मार्केट ये बात याद रखिएगा आप लेट से अगर टोक्यो की लो लिक्विडिटी मार्केट ने लंडन में स्वीप की है तो आपको एक अच्छी पुल बैक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी सेम एज इट इज अगर लंडन का लो है और एनवाई सेशन ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, तो मार्केट एक बड़े अच्छे ट्रेंड में बुलिस साइड पर जा सकती है जस्ट लाइक हेयर यू

पूरी जो ट्रेड सेटअप्स से हैं इसको आप लोग प्ले कर सकते हैं और अगर आप लोग इन केस आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल यू ऑल यू नीड टू डू इट इज़ व्हाट्सएप हमें करें और व्हाट्सएप करने के बाद जो आपको डिटेल्स बताई जाएगी आप उस डिटेल को फॉलो करके हमें जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो अब आप आज के दिन देख लो कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया आज के दिन मार्केट ने अपना टोक्यो का इसने लो बनाया ठीक है टोक्यो का लो बनाया और उसके बाद मार्केट ओपनिंग आई थिंक सो यहां से आपकी ओपनिंग दी थी मार्केट ने अब अगर आप यहाँ पे देखते हो कि आज के दिन मार्केट जैसी ओपन होती है तो मार्केट यहां से बल्कि ओपन हुई और उसने इतना बड़ा गैप नीचे दे दिया ठीक है अब गैप नीचे देने के बाद मार्केट ने वही डाउन मूव दिया आज, आज है। है? तो कि का, यह का लो बना हुआ है टोक्यो का लो इसने ब्रेक नहीं किया और ये इसका टोक्यो का अभी तक का हाई इसका क्योंकि जो प्राइस आपकी लास्ट क्लोज हुई थी वो इस जगह पर हुई थी राइट तो इसमें मार्केट ने अभी किया क्या है बेसिकली मार्केट ने क्या किया कि आपकी जो प्रीवियस लोज होते हैं अब यहाँ पे आप देखें ये आपका प्रीवियस लो था इसकी क्या इसने की है लिक्विडिटी स्वीप की है इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की और काफी रेंज की और उसके बाद मार्केट जो है वो हंड्रेड प्लस पिप्स का इसने मूव दिया है तो ऑब्वियस सी बात है जब आपको यहाँ पे एक चीज स्ट्रक्चर जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडिटी इसने स्वीप की है प्रीवियसली इसका यहाँ पे एक अच्छा बेहतरीन डिमांड जोन था मार्केट ने उसको प्ले किया है उसको प्ले करने के बाद जो लास्ट आपका लोअर हाई पॉइंट होता है उसको उसने वहां से ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट करने के बाद अगेन आपका यहाँ पे नंबर वन डिमांड प्ले हुआ उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद अगेन तो हर सेशंस का जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लिक्विडिटी एरिया होता है अभी इस को मैं क्लोज करके देखता हूं तो लिक्विडिटी एरिया क्या होता है कि जब मार्केट यहां पे आपका डिमांड क्रिएट कर दे और क्रिएट करने के बाद इक्वल लोस बना दे इस एरिया के नीचे इक्वल लोस बाय द वे ये ट्रेड जो थी ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी आपको बताई थी आज के ही दिन तो ये लाइव स्ट्रीम पे बड़ी जबरदस्त आपको लाइव ये ट्रेड बताई गई थी और ऑलमोस्ट मार्केट 100 हंड्रेड प्लस इस टाइम पर प्रॉफिट में जा रही है तो आप लोग इसमें एंट्री कैसे कर सकते हो यहां पे एंट्री करने के लिए इस बेरिश की कैंडल का आपने हाइज एंड लोस मार्क कर लेना है यहाँ पे आप बाय लिमिट लगा सकते हो बाय लिमिट लगाने के बाद आपका असल बनेगा जस्ट फिफ्टीन पिप्स और आप लोग देख लो कि टोक्यो का हाई कहाँ पे मौजूद है आप इसका सीधा टेक प्रॉफिट टोक्यो के हाई तक लेकर जा सकते हो क्यों लेकर जा सकते हो आप इस तरीके से लेकर जा सकते हो और इसकी रीजंस क्या है लेकर जाने की कि भाई जब मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं कर रही और यहाँ पे इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है तो उसके बाद जब दोबारा मार्किट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और उसके बाद जब नहा पे इसने अपना डिमांड एरिया टेस्ट किया तो वहां से मार्केट देखें आप कितनी इंपल्सिवली बुलेट साइड पर गई है एंड दिस वाज द एग्जैक्ट लेवल अभी आप देखेंगे कि मार्केट आपकी बुलेट साइड पर जा रही है और ये टोक्यो के हाई को जाके ही टच करेगी बिकॉज अबव टोक्यो हाई वी हैव ऑल द लिक्विडिटी पॉइंट्स वी हैव बाय साइड लिक्विडिटी राइट सो मार्केट टोक्यो के हाई तक जाए बहरहाल अगर आप इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देखेंगे जिसको आप लोग आर 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 बोलते हैं तो बड़ा जबरदस्त है मार्केट में ये सिंपल स्ट्रेटजी डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आपको बताई जाती है और अभी भी आपको ये बताए गई और इसी तरह की आ, बेस्ट स्ट्रेटजीज जो हैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर में अपलोड की जाएंगे तो ताकि आपको उनसे बहुत ज़्यादा फायदा हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस तरीके से हमारी वीडियोस जब भी अपलोड हो आप लोग उनको देखा करें उनको सीखने की कोशिश करें ये बड़ी फायदेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता या सबसे पहले आप वो सीखना चाहते हैं तो अपकमिंग कोर्स जो कि सेकेंड नवंबर को स्टार्ट हो रहा है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें मार्केट स्ट्रक्चर सीखें आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी बहुत आसान लगेंगी और आपको इसमें इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तो ये तो थी मेरी मार्केट की कि स्ट्रेटेजी से आप लोग प्रीवियस डे लो मार्क करते हैं मार्क करते हैं अब आपको कुछ करने की नहीं जरूरत सिर्फ आपने इंडिकेटर यहाँ पे लगा देना है और आपने जस्ट उसको फॉलो करना है लेट्स से आपका मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर है तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर पे ग्रिप हासिल करें और उसके बाद आप लोग चार्ट के ऊपर इस तरीके से मैपिंग करके टोक्यो हाइज एंड लोज प्रीवियस डे हाईज एंड लोज को मार्क करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करके एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी में फायदा ये होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो बहुत माइनर सा आपका रिस्क होता है और आपका रिवॉर्ड आप देख लें कि यहाँ पे जिस तरह मैंने ये पी अभी आपको बताया है इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर एज वेल आपको जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसको भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप लोग इस वीडियो को उम्मीद है बहुत मैंने डिटेल में सिखाया है समझाएं आप इसकी बैक टेस्टिंग करें जिस तरह मैंने अपने चार्ट पर आपको बताया कि सेशन इंडिकेटर को ऑन करें इसकी बैक टेस्टिंग करें जितना यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से लेके कर यहाँ तक आप देखें बहुत आसान सी स्ट्रेटजी है कुछ इसमें मुश्किल नहीं है सिर्फ मुश्किल ये है कि इसमें प्रैक्टिस आप लोगों की अभी देखें लंडन हाई को टैप कर रही है अब लंडन प्लस टोक्यो हाई की अगर लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है गोल्ड इस टाइम पे तो मार्केट यहाँ से दोबारा आपकी नीचे डाउन साइड पर ड्रॉप दे सकती हैं और इसी डिमांड एरिया के ऊपर यहाँ से जो आपकी प्राइस है 30 34 इसको आप लोग तो टेस्ट करना चाहें तो लास्ट कैंडल पे आप दोबारा से इसमें रिस्क ले सकते हैं अब दोबारा से तब रिस्क लेंगे जब आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी तो इट्स वेरी सिंपल ठीक है ना तो उम्मीद है कि आप लोग इस स्ट्रेटजी पे वर्किंग करेंगे इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और इनशाला इन आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के ऊपर फायदा भी बहुत होगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आने वाली दिनों में और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जाएंगी इनशाला आपसे उन, उन वीडियोज में मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज